भारत के किस राज्य ने अपना खुद का ओवर दी टॉप प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा है? यह प्रस्ताव रखा है केरला ने। ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम किस रिवर पर लोकेटेड है? यह डैम लोकेटेड है ब्लू नाइल रिवर पर। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का इनॉग्रेशन किस देश में किया गया है? वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड कासल इनॉग्रेट किया गया है डेनमार्क में। हाल ही में लॉन्च की गई ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु स्पेसिफिकली किसके लिए? मत्स्य सेतु ऐप है फिशरमैन्स के लिए। किसने न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन को लॉन्च किया है? न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन को लॉन्च किया है फेसबुक ने। अमेज़न INC ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में लॉन्च किया है? यह डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है सूरत में। इंडियन रेलवेज ने किस शहर में भारत के पहले मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम एक्वेटिक किंगडम को स्थापित किया है? यह एक्वेरियम स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिफेंस पेंशन के ऑटोमेटेड सैंक्शन और डिसबर्समेंट के लिए एक नया सिस्टम अनवील किया है। इस सिस्टम का क्या नाम है? इस सिस्टम का नाम है स्पर्श। भारत का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है गांधीनगर में। हाल ही में न्यूज में रहा नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व कहां लोकेटेड है? नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है महाराष्ट्र में।